सीबीआई कर सकती है रिया चक्रवर्ती की बहुत जल्द गिरफ्तारी। आखिरकार क्या वजह सामने आई है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिगम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। मैंने आज आपको सुबह की खबर में बताया था कि आज एनसीबी जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर पे छापेमारी के लिए पहुंची है, क्योंकि ड्रग्स का मामला सामने आया था। और उस दौरान जब एनसीबी वहां से वापस निकली है तो श्रौविक चक्रवर्ती को वहां से उठाकर लेके गई है। आपको यहाँ पे बता दूं कि सुशांत के पिता के सिंह ने एक बयान शेयर किया है, वो भी विजुअली, जो कि सोशल मीडिया पर इस समय वायरल भी हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा है कि सुशांत को उन्होंने ही मारने, आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश की, यानी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने की उकसाया है और उन्हें जहर दिया है, उनको दवाइयां दी है। और ये बात भी कबूल की गई है कि सुशांत की तबीयत तभी से बिगड़ने लगी जब से रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में आई थी। आपको यहाँ पर बता दूं कि इस समय जो पूरा सिनेरियो जो सामने आ रहा है उसमें देखते हुए रिया चक्रवर्ती पे जितने आरोप लगे उन्होंने मीडिया में आई, उन्होंने बातचीत करी, उसी दौरान जो है सुशांत की फैमिली की तरफ भी उंगलियां उठाई गई थी। सुशांत की बहनों के ऊपर भी कई संगीन आरोप लगे हैं इस पूरे सिनेरियो में। अब इस समय जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती भी चारों तरफ से फंसी हुई है, तो वहीं सुशांत की फैमिलियों पर भी उंगलियां उठी हैं और वो भी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोग जो है वही सोच रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई जो है इस मामले में सच्चाई सामने लेकर आए, क्योंकि अब कुछ भी कहना इम्पॉसिबल जैसी थिंग हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा उल्टी पुल्टी नजर आ रही है। जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती सुशांत फैमिली पे एलिगेशन लगा रही है, तो वही सुशांत फैमिली जो है वो रिया चक्रवर्ती पे एलिगेशन लगा रही है। और यहाँ इस समय केके सिंह का बयान जो है वो भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस समय ये कहा जा सकता है कि सीबीआई बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती को धारा 307 के तहत जो है वो गिरफ्तारी कर सकती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रही चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।